जयपुर से आ रही है। जयपुर के जौहरी बाजार में कई जगहों पर लाउडस्पीकर लगाए गए हैं। बड़ी खबर जयपुर से, जामा मस्जिद के पास ये लाउडस्पीकर लगाए गए। आपको बता दें कि अलविदा की नमाज के लिए ये लाउडस्पीकर लगाए गए हैं। 15 खंभों पर 30 से ज्यादा लाउडस्पीकर लगाए गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जयपुर से। देखिए, एक तरफ अगर हम यूपी की बात कर रहे हैं जहां पर लाउडस्पीकर उतर रहे हैं, तो देखिए यहां किस तरह से राजस्थान में लाउडस्पीकर को बकायदा टंगवाया जा रहा है। तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए, आज जो है अलविदा नमाज यहां पर अता की जा रही है और अपील भी लोगों से की जा रही है कि सड़क पर आप आकर नमाज ना पढ़ें। लेकिन देखिए, एक तरफ सहारनपुर में किस तरह से नमाजी हंगामा करते नजर आए, तो देखिए जयपुर की तस्वीरें जहां बकायदा अलविदा नमाज के लिए लाउडस्पीकर को टांगा गया है, हटाया नहीं गया बल्कि और टांगा गया है। 15 खंभों पर 30 से ज्यादा लाउडस्पीकर यहां लगाए गए हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक तरफ देखिए जहां अपील की जा रही है कि शांतिपूर्ण माहौल बना रहे, वहीं यहां गहलोत सरकार ने किस तरह से लाउडस्पीकर 15 खंभों पर टंगवा दिए ठीक अलविदा नमाज से ठीक पहले। आज जुम्मे की नमाज है और रमज़ान की जुम्मे की ये अंतिम नमाज है। देखिए, देश में इस समय लाउडस्पीकर पर अजान का मुद्दा है वो लगातार छाया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया गया और यूपी के अंदर जो धार्मिक स्थल हैं वहाँ से जो लाउडस्पीकर हैं वो हटाए गए। इस समय हम जौहरी बाज़ार में हैं और जौहरी बाज़ार में अब कुछ से कुछ देर बाद जुम्मे की जो नमाज है वो अदा की जाएगी। तैयारियाँ मुकम्मल कर ली गई हैं और आप ये तस्वीरों में हम दिखाएंगे कि जौहरी बाज़ार का नज़ारा कि किस तरीके से इस जौहरी बाज़ार में जो पूरा जो जौहरी बाज़ार है बड़ी चौपड़ से लेकर सांगानेर गेट तक जो खंभे हैं वहाँ पर लाउडस्पीकर लगाए गए हैं। ये तस्वीरों में आप शायद देख पा रहे होंगे कि एक तरफ एक सरकार कहती है कि लाउडस्पीकर हटा दिए जाएं, उनका जो डिसेबल है उसको नियंत्रित किया जाए। तो देखिए, एक तरफ जहां तस्वीरें थी राजस्थान में जहां बकायदा लाउडस्पीकर टंगवा दिए गए, तो आपको तस्वीर दिखा रहे हैं